नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्ट करियर पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे रॉयल इनफील्ड डीलरशिप के बारे में और जानेंगे कि आप रॉयल इनफील्ड की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, यानी आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आपको कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और दोस्तों साथ यह भी जानेंगे कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की डीलरशिप लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉयल इनफील्ड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों रॉयल इनफील्ड इंडिया की सबसे पुरानी मोटर बाइक कंपनी है जो बहुत सालों से मोटर बाइक बनाती आ रही है और इस कंपनी के मोटर बाइक बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और दोस्तों यह कंपनी इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा कारोबार है और विदेशों में भी इस कंपनी के बहुत ज्यादा बाइक पसंद किए जाते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे कंपनी अपने कारोबार को बढ़ा रही है और नई नई सीरीज के नए नए बाइक मार्केट में उतार रही है। और दोस्तों इस कंपनी ने इंडिया के अंदर सबसे पहले चेन्नई से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, यानी चेन्नई में कारखाना लगाकर इस कंपनी ने अपने बाइक की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। और दोस्तों आज दुनिया में बहुत से देशों में यह कंपनी कारोबार कर रही है। तो दोस्तों कोई भी पर्सन यदि रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी लेकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो यह एक अच्छा सा बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों में इस कंपनी के बाइक का बहुत ज़्यादा क्रेज है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि लोग इस कंपनी के बाइक शौक के लिए खरीदते हैं और बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो दोस्तों यह एक अच्छा बिजनेस होगा और आप इसके अंदर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी लेना चाहते हैं तो आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट आपकी लोकेशन के ऊपर और आपकी जगह के ऊपर डिपेंड करेगी। यदि आप एक छोटे शहर से हैं तो आप छोटी एजेंसी ओपन करें जिसके अंदर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप एक बड़े शहर से हैं तो आपको बड़ी एजेंसी स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसके अंदर अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी दोस्तों जगह की, यदि जगह खुद की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत सारी बच जाएगी, लेकिन खुद की जमीन नहीं है और आप जमीन लीज पर ले रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं तो आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों कम से कम इसके अंदर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर कंपनी कुछ सिक्योरिटी भी लेती है और आपको एजेंसी ओपन भी करनी है और उसके अंदर सभी स्पेयर पार्ट सब कुछ लगाना है। तो दोस्तों कम से कम आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिएगी यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी लेना चाहते हैं। और दोस्तों यदि आप छोटे शहर से हैं और छोटी एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ भी बाइक एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों जमीन की बात करें तो कंपनी एजेंसी के अंदर सब चीज देखती है। जैसे यदि आप किसी भी बाइक एजेंसी के अंदर देख तो आपको सभी चीज के लिए अलग अलग जगह मिलेगी, जैसे शोरूम के लिए अलग जगह, सेल सर्विस और कस्टमर के बैठने के लिए अलग जगह चाहिएगी, और आपको एजेंसी के सामने अच्छा खासा फ्रंट चाहिएगा और आपको वर्कशॉप के लिए अच्छा खासा स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए स्पेस की बात करें दोस्तों तो कम से कम आपके पास 5 से 10 हज़ार स्क्वेयर फीट जगह होनी चाहिए जिसके अंदर आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, जब आप बाइक एजेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो पहले कंपनी आपकी लोकेशन के ऊपर सर्वे करेगी, यानी आपकी लोकेशन देखेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट देखेगी, उसके बाद यदि आपकी लोकेशन कंपनी पास करती है तो ही आपको बाइक एजेंसी दी जाएगी, वरना दोस्तों आपको बाइक एजेंसी नहीं दी जाएगी। इसलिए आपकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जो कंपनी के रूल को फॉलो करती हो, यानी आपकी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए आपके पास, उसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए और सभी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तभी कंपनी आपको डीलरशिप देगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी के साथ आपका कितना एग्रीमेंट होगा, यानी कितने साल के लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप रॉयल इनफील्ड कंपनी के साथ बाइक एजेंसी ओपन कर रहे हैं तो दोस्तों इसके लिए कंपनी आपके साथ कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट करती है। यदि आपके संबंध कंपनी के साथ अच्छे हैं, यानी आप कंपनी के रूल को फॉलो करते हुए कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कंपनी आपकी 5 साल के बाद आपकी डीलरशिप रिन्यू कर देगी, यानी आपका एग्रीमेंट 5 साल के बाद रिन्यू हो जाएगा और आप आसानी से आगे एजेंसी चला सकते हैं। और दोस्तों यदि कंपनी को यह लगा कि आप कस्टमर को अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो 5 साल के बाद कंपनी आपका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करेगी और आपको एजेंसी बंद भी करनी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी आपकी क्या क्या हेल्प करेगी। तो दोस्तों यदि आप
रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी आपकी बहुत सी हेल्प करेगी दोस्तों। आपकी एजेंसी की डेकोरेशन एस्टेब्लिशमेंट में कंपनी पूरा पूरा सपोर्ट करेगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी आपके हिसाब से ही एजेंसी को डेकोरेट करती है, जैसे अपने लोगो लगाती है, सब कुछ कंपनी अपने हिसाब से एजेंसी के अंदर करेगी। और दोस्तों कंपनी आपके वर्कर को अच्छी खासी ट्रेनिंग देगी, जिससे वह कस्टमर को अच्छे से हैंडल कर सके, जिससे कंपनी के ज़्यादा से ज़्यादा बाइक सेल हो और कंपनी का मुनाफा हो और आपको भी मुनाफा हो। और दोस्तों कंपनी एजेंसी के मालिक यानी डीलर को भी अच्छी खासी ट्रेनिंग देगी, जिससे वह वर्कर से अच्छे काम ले सके और अपने कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सके। और दोस्तों कंपनी आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर भी पूरा पूरा हेल्प करेगी, यानी जो भी आपके टेक्निकल हेल्प कंपनी से चाहिए कंपनी आपके देगी। तो दोस्तों यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो कंपनी आपको यह सभी हेल्प करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो कंपनी कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देखती है और कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट देखती है। यदि पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, यानी आपके आईडी प्रूफ पर आपके पास कोई एक आईडी का प्रूफ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ के तौर पर आपका राशन कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी हो, एक आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आपके पास अपने बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए, और आपके पास आपके फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए और फोन नंबर होने चाहिए। और दोस्तों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास कंप्लीट प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट विद टाइटल और एड्रेस के साथ होने चाहिए। और दोस्तों यदि आप जमीन लीज पर ले रहे हैं किसी से, यानी आप एजेंसी ओपन करने के लिए किसी जमीन किराए पर ले रहे हैं, तो आपके पास उस प्रॉपर्टी का लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। और दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट अच्छे से साफ होने चाहिए, यानी सभी डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है तो कंपनी आपको डीलरशिप नहीं देगी, यानी आपको एजेंसी ओपन करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यदि आप इन सभी रूल को फॉलो करते हैं और ये सभी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी ओपन करना चाहते हैं और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं। तो दोस्तों जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आपके सामने एक नोट खुलेगा। नोट दोस्तों उसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ना चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, वरना आप उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप उसे कैंसिल करेंगे तो आपके सामने इनका रॉयल इनफील्ड का वीडियो चलता हुआ आएगा और अच्छा सा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे दोस्तों आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन और सब कुछ दिखाई देता जाएगा। और दोस्तों जैसे ही आप लास्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे मोटरसाइकिल्स, राइड, इवेंट, स्पोर्ट्स, अबाउट अस, न्यूज़ मीडिया, कैरियर, आवर वर्ल्ड। आप कोई भी न्यूज़ ले सकते हैं यहाँ से, कंपनी के बारे में इनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सब कुछ जानकारी दोस्तों आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको सपोर्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, सपोर्ट। इसके नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, सर्विस सेंटर, स्टोर, ओनर मैनुअल, कॉन्टैक्ट अस, बुक अटैच्ड राइड, जैसे बहुत से ऑप्शन दिखाई गए। उनमें से दोस्तों आपको बिकम ए डीलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से दोस्तों आपको वे नोट दिखाई देगा, उसको कैंसिल करें। उसको कैंसिल करते दोस्तों आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। दोस्तों पूरा फॉर्म है बिकम ए डीलर का, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स भरनी है। दोस्तों इसके अंदर आपको पूरी डिटेल, जैसे जो जो चीज़ आपसे मांगी जाए वह पूरी पूरी फिल करें। और दोस्तों ध्यान रहे, आप ध्यानपूर्वक फिल करें, क्योंकि दोस्तों आपके कोई भी गलती आपकी समस्या बन सकती है। और दोस्तों आप इसके अंदर सभी जानकारी अच्छे से और ध्यानपूर्वक भरें। सबसे पहले दोस्तों आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करनी है, उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको अपना नाम डालना है। दोस्तों नाम के बाद दोस्तों सिटी डालें, सिटी का ईमेल आईडी डालें, ईमेल पिन कोड डालें, मोबाइल नंबर डालें, एज डालें और एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालें। और दोस्तों ध्यान रहे आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है
आपके पास उसके सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है कंपनी आपसे उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। और दोस्तों क्वालिफिकेशन के लिए कंपनी कुछ रूल है, वह रूल दोस्तों आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करके पता चलेंगे कि कंपनी कितनी क्वालिफिकेशन मांगती है। तो दोस्तों उसके बाद क्वालिफिकेशन डालें, फिर सिलेक्ट सोर्स डालें। सिलेक्ट सोर्स के अंदर दोस्तों यह पता चलेगा कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट डाली है, किसके थ्रू आपको पता चला है, ऐसे बताना आपको, कुछ भी सिलेक्ट करते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको आपकी लोकेशन के बारे में और अच्छे से सारी जानकारी देनी है और आपका पर्पज बताना है कि आप कंपनी से किस लिए कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। नीचे एड्रेस डालना है आपका, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड आपको ऑन ए रॉयल इनफील्ड, आपके पास रॉयल इनफील्ड है, नो यस आपको सिलेक्ट करना है। और मोटरसाइकिल ऑन, आपके पास जो भी मोटरसाइकिल है और कंपनी का नाम दोस्तों, यदि आप नो करते हैं तो आपको कुछ नहीं भरना, और यस करते हैं तो दोस्तों आपको आपको डिटेल इसके अंदर भरनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। यदि आपके पास नहीं है तो आप नो सिलेक्ट कर दें, आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे डिस्क्लेमर दिया हुआ है, नीचे कुछ नोट दिया हुआ है दोस्तों, इसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वरना दोस्तों आप इसे बिना भी पढ़े काम चला सकते हैं। और दोस्तों सभी फॉर्म के अंदर भरी हुई डिटेल आप अच्छे से चेक करें, आपकी डिटेल सही है। फिर दोस्तों आप आई एक्सेप्ट दिस टर्म एंड कंडीशन एज वेल एज प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें और दोस्तों फिर सबमिट कर दें, ठीक है दोस्तों। आपकी पूरी की पूरी डिटेल कंपनी के पास चली जाएगी। और दोस्तों यदि आपकी लोकेशन सही लगी और कंपनी उस लोकेशन के ऊपर कोई बाइक एजेंसी खोलना चाहती है तो कंपनी आपके आपसे खुद में खुद कॉन्टैक्ट कर लेगी। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि आप इसके अंदर वही ईमेल आईडी और फोन नंबर डालें जिसको आप टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यदि कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी तो इन्हीं के थ्रू करेगी, तो इन्हीं के थ्रू कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। तो दोस्तों ऐसे आप रॉयल इनफील्ड की बाइक एजेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट इन्वेस्टकरियर पर जाकर इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमने वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी भी बिजनेस फ्रेंचाइजी या योजना से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।